नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं द्विवेदी युग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो द्विवेदी युग को जागरण काल नाम जो है डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द्विवेदी युग का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था, और इसकी जो समय सीमा है वो 1900 से 1920 तक मानी जाती है। और डॉक्टर नागेंद्र ने जो है इसे जागरण काल या जागरण सुधार काल भी कहा है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास मूलतः किससे संबंधित ग्रंथ है? तो प्रिय प्रवास जो है वो वियोग श्रृंगार है। ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास जो है, अगर प्रिय प्रवास की बात की जाए तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, और इसकी जो रचना है उन्होंने 1914 में की थी। ये जो है श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, इसमें अनेक घटनाएं हैं जैसे बकासुर, पूतनावत, शक्टासुर, कालीना, कंस, जरासंध जो है इसमें इन सब का वर्णन किया गया है। तो ये एक वियोग श्रृंगार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? तो द्विवेदी युग के जो है ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त जी जो है इन्हें जो है राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। तो महावीर मैथिली शरण गुप्त जी से जो है रिलेटेड दो क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। एक तो द्विवेदी युग मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं और इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया है, और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी है। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखें। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की साकेत महाकाव्य में किस प्रकार की शैली का उल्लेख किया है? तो गुप्त जी ने जो है साकेत में वैभवी काव्यात्मक गीति शैली का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 2 साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत की लिखने की जो प्रेरणा थी गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिली थी, और इसको लिखने में लगभग 15 वर्ष लग गए थे। इससे रिलेटेड कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर ही इन्होंने इसकी रचना की थी और 15 वर्ष इसको लग गए थे। ये दो क्वेश्चन इसमें है। अगला प्रश्न है, स्वदेश कुंडल मृत्युंजय राम रावण विरोध रचना किसकी है? तो ये रचनाएं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की है। ऑप्शन नंबर 3 राय देवी प्रसाद पूर्ण जो है ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से रचना करने वाले कवि हैं? त्रिशूल उपनाम से जो जिन्होंने रचना की थी वो थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ऑप्शन नंबर 3 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने जो है श्रृंगारिक रचनाएं जो है उन्होंने स्नेही नाम से और राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर जो उन्होंने रचनाएं की थी उस वे जो है वो त्रिशूल उपनाम से करते हैं, ये भी आप याद रखें। श्रृंगारिक रचनाएं वो स्नेही उपनाम से और राष्ट्रीय भावनाओं से जो लिखी हुई कविताएं होती है जिसमें राष्ट्रीय भावना दिखती है तो वो उन्होंने त्रिशूल उपनाम से की है। ऑप्शन नंबर 3 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी जो कुछ रचनाएं थी हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण जो है इन सभी काव्य कृतियों के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय भाव धारा
का जो है पता चलता है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि माना गया है। ऑप्शन नंबर एक माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, ये कथन बाबू गुलाब राय जी का है। ऑप्शन नंबर दो बाबू गुलाब राय इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति जो है सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। आगे कुछ रचनाएं और रचनाकाल है जिसको सुमेलित करना है। पहला है जयद्रथ वध जो है झंकार, जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, साकेत, इनको जो है इनकी रचनाकाल से सुमेलित करना है। तो जयद्रथ वध का जो है की रचना जो है वो 1910 में हुई थी। 1910 ए का ऑप्शन नंबर 1910 हो जाएगा। और भारत भारती की रचना जो है वो 1912 में हुई थी। झंकार की रचना 1929 में हुई थी। और साकेत की रचना जो है वो 1931 में हुई थी। ये जयद्रथ वध 1910, अगर सही इसका लिखा जाए तो 1910 जयद्रथ वध, भारत भारती 1912, झंकार 1929 और साकेत 1931। और ये सभी रचनाएं जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, ये भी आप याद रखें। जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार और साकेत। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। अभी हमने भारत भारती के बारे में देखा कि भारत भारती की रचना काल जो है वो था 1912, भारत भारती 1912, ऑप्शन नंबर ए इसको इससे सुमेलित कर देंगे। यशोधरा, यशोधरा का जो है 1932 में प्रकाशन हुआ था, 1932। द्वापर, द्वापर 1936। जय भारत का जो है 1952, ये जो है इनका रचना काल है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं का जो है रचनाकार से आपको मिलाना है। यहाँ कुछ रचनाएं दी गई है जैसे गंगावतरण, युगचरण, पाथे, उर्मिला। तो गंगाचरण जो है वो जगन्नाथ रत्नाकर की लिखी हुई रचना है। जगन्नाथ रत्नाकर, गंगावतरण जो है जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। युगचरण जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पाथे सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। और उर्मिला जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये जो है ये रचनाएं और इनके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, सुमेलित कीजिए रचना को रचनाकार से। अब पहला प्रश्न है भारत भारती, पीछे भी हमने देखा था कि भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, सॉरी भारत भारती नहीं है, ये भारत गीत है। तो भारत गीत जो है वो श्रीधर पाठक जी की रचना है, गीत श्रीधर पाठक जी की है। पारिजात हरिओद जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पंचवटी, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। और मानसी जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, ये आप याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं रचना और रचनाकार। अगला भी कुछ यही है, रचना को रचनाकार से मिलाना है।
चौखे चौपदे, चौखे चौपदे जो है वो हरिऔध जी की रचना है। चौखे चौपदे हरिऔध जी की रचना है, और देवदूत पूर्ण जी की रचना है, समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी, और मानसी, मानसी जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ये रह गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो मैथिली शरणगुप्त जी की जो रचना है, जो नायिका प्रधान नहीं है, वो है पंचवटी, ऑप्शन नंबर 2, पंचवटी। अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? तो संपत्ति शास्त्र की भूमिका जो है वो सरस्वती पत्रिका में छपा था, लेख था, ऑप्शन नंबर 2। अगर सरस्वती पत्रिका की बात की जाए, तो सरस्वती पत्रिका जो प्रकाशन है वो 1900 में हुआ था, और 1980, जून 1980 में जो है इसका प्रकाशन जो है वो बंद हो गया था। अब इसको फिर से चलाने की योजना बनाई जा रही है, शायद ये पत्रिका फिर से शुरू हो जाए, सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा मिली? अब भारत भारती ग्रंथ जो है वो मैथिली शरणगुप्त जी का है, ये तो आपको पता चल चुका है। तो इसको लिखने में जो है किस उर्दू ग्रंथ की प्रेरणा मिली थी? तो वो था मुसदस्से हाली, ऑप्शन नंबर 4, मुसदस्से हाली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखा हुआ हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर 3। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, ये भी आपको पता है। भारत भारती का रचनाकाल, ये भारत भारती जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अब तो आपको ये अच्छे से याद हो चुका होगा। भारत भारती जो है मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखी है, और इसका रचनाकाल जो है वो 1912 है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।